बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेल्सन मंडेला साहब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसका ताल्लुक अफ्रीका कॉन्टिनेंट से और साउथ अफ्रीका कंट्री से इसका ताल्लुक था। 1918 में ये जिस बेटा सारे सवाल हैं जो कि बिशप के एग्जाम में पूछे गए हैं, 1918 में पैदा हुआ था ये। 18 जुलाई 1918 को, इसीलिए हर साल 18 जुलाई को मंडेला डे भी मनाया जाता है UNO की तरफ से। इसने स्लेवरी के खिलाफ एक कंपेन चलाई, गुलामी के खिलाफ था ये। 1962 में 1962 में इसे जेल में डाल दिया गया। 1990 तक ये जेल में रहा। 27 साल इसने जेल में गुजारा। ये सवाल बनता है कितने साल जेल में गुजारे, 27 साल जेल में गुजारे 1990 में जब ये आजाद हुआ था। कहाँ पे कैद किया गया, रोबन्स आइलैंड पे। ये भी सवाल बना है, रोबन्स आइलैंड पे इसे कैद किया गया था। 1992 में ये पाकिस्तान आया, हमने इसे निशाने पाकिस्तान दिया। 1993 में इसे नोबल पीस प्राइज दिया गया। सवाल बनता है नोबल पीस प्राइज कब मिला मंडेला साहब को, तो 1993 में इसे नोबल पीस प्राइज दिया गया और ये प्रेसिडेंट बना फिर साउथ अफ्रीका का 1994 से लेकर 1999 तक, 1999 तक। इसकी किताबों के बारे में सवाल बनता है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ, ये दो किताबें इसकी मशहूर हुई थी। इनके बारे में बेटा सवाल अक्सर बनता है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ। कब मरा ये, 5 दिसंबर 2013 को ये फौत हो गया। अजीम पर्सनैलिटी, इसके बारे में ये सवाल सारे बने हैं कमीशन के एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।